Hello everyone, welcome to Shri ram's Zai's. This is Arzu Kakkar. I hope you all are doing well. Aap badiya ho, khush ho. And in this particular session that we are starting, the series that we are starting from today, I'll be taking your daily current affairs sessions. The current affairs that are very important from the Hindu Indian Express PIB so, we'll have an in depth analysis of every article uh, that is uh, relevant from your exam point of view, prelims as well as means. Yes, so how you can write the answer, the content that you can take for writing the answers, and the questions also in the prelims that you can expect. सो वट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं इन द प्रिलिम्स ऑल्सो जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आप जब इस सेशन को अच्छे से पूरा कवर करेंगे यू विल बी फाइंडिंग एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर सम क्वेश्चन आर अवेलेबल जिसके आंसर्स आपको करने रहेंगे और इन बिटवीन ऑल्सो आई बी आस्किंग सर्टन क्वेश्चन तो आपको अटेंटिव रहना है ड्यूरिंग द कम्पलीट लेक्चर तो विदाउट टेकिंग एनी टाइम सिंपली आई थिंक वी शुड स्टार्ट द लेक्चर एक भी मिनट वेस्ट नहीं करते हैं बिकॉज एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट राइट

सो so, हुआ क्या था ऑन दैट पर्टिकुलर डे ओनली वैन वी आर ऑब्जर्विंग वर्ड पेंगुलेंस डे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन केम अप विद रिपोर्ट उस रिपोर्ट के अंदर एक शीट uh, uh, के अंदर बताया गया है कि वन टू जीरो थ्री पेंगुलेंस हैगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन इंडिया फ्रॉम ट्वेंटी एटीन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू यानी कि 2018 से टिल 2022 ये देखा जा रहा है इंडिया के अंदर कि इनकी इलीगल ट्रैफिकिंग जो है स्पीशीज की होती है कहाँ पर ज्यादा होती है कहाँ पर जबकि ज्यादा इंसिडेंट्स पाए गए हैं विल हैव अ लुक ओवर इट सो बेसिकली दीज वर रिकवर्ड इन 342 फोर्टी टू सीजर इंसिडेंट्स दे वर हैप अक्रॉस ट्वेंटी फोर स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी इन इंडिया हाइएस्ट नंबर ऑफ जो इंसिडेंट्स हुए हैं वेर द पैंग सीज इट इज इन उड़ीसा सो पेंगुलेंस की स्पीशीज कितनी है ये भी यू विल भी टेलिंग मी लेकिन मैं इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दूंगी ये जो आप पिक्चर देख रहे हो फोटो ये पेंगुलंस स्पिशी की है आप इसके अंदर ये देख रहे हो गए यू आर एबल टू सी द स्केल्स राइट तो सारी जो इलीगल ट्रैकिंग uh, जो ट्रैफिकिंग होती है इट इज बिकॉज ऑफ दिस मतलब क्या रीजन है उसको और डिटेल में समझने से पहले आप पैनोलिन के बारे में थोड़ा सा जान लो दे आर दी नॉक्टर्नल मैमल्स एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इको सिस्टम मैनेजमेंट इनका ना एक यूनिक अपियरेंस है क्योंकि वो दिख भी रहा है देखो यूनिक सा अपियरेंस है ये जो स्केल्स हैं इनकी बॉडी के ऊपर दे आर मेड अप ऑफ कैरेटिन और इस यही दिस इज द रीजन जहां पर इनकी इलीगल ट्रैफिकिंग tra जो है होती है बिकॉज इट इज फर्दर यूज फॉर मेडिसिन और कहाँ पर इन कंट्रीज लाइक चाइना तो चाइना मतलब वहां पर इसका क्या मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज होता है वो तो चाइना जाने लेकिन अगर मैं बात करूँ अब इसके पहले हैबिटेट की कहाँ पर यह पाया जाता है द स्पीशेज इज फाउंड वेयर सो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट इज देयर लाइक लाइम स्टोन एंड बेम्बू फॉरेस्ट में ग्रास लैंड्स एग्रीकल्चर फील्ड्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थोड़ा सा इंडिया स्पेसिफिक हो जाते हैं इंडिया के अंदर एज आई सेट देर आर टोटल चलो ये मैं बता देती हूँ एट स्पीशीज हैं ये अब आपको पता ही चल गया the, uh, कोन -कोन है ऑफ दी पैंगोलिन वो एट स्पीशीज कौन कौन सी हैं दिस इज योर होमवर्क यू हैव टू डू इट एक होमवर्क कम हो गया है बट यहाँ पर इफ आई टॉक अबाउट इंडिया इंडिया में इंडिया इज होम टू ओनली टू स्पीशीज प्लीज डू रिमेंबर दैट इंडियन पैंगोलिन एंड चाइनीज पैंगोलिन राइट Of the South Asia, और इंडिया साउथ एशिया का पार्ट है तो इसलिए चाइनीस पैंगोलिन जो है वो भी इट इज फाउंड अक्रॉस ए लार्जर एरिया इन द साउथ एशिया सो इंडिया में भी चाइनीज पैंगलिन और आ, जो इंडियन पेंगोलिन है दोनों स्पीशीज पाई जाती है थोड़ा सा ओवर डेप में आते हैं तो कौन कौन सी स्टेट्स पे और कहां, -कहां पर सी बिहार वेस्ट बंगाल असम सी द प्रेजेंस ऑफ बोथ दी स्पीशीज चाहे वो इंडियन पैंगोलिन हो चाहे वो चाइनीज पैंगोलिन हो लेकिन बात यह है कि ये इंडिया के अंदर ये जो स्पीशीज है दोनों स्पीशीज दे आर अंडर द शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दैट मीन्स हंटिंग दीज एनिमल्स इफ फाउंड इलीगल ट्रैफिकिंग इफ फाउंड वो हो नहीं सकती होनी नहीं, नहीं चाहिए बिकॉज दैट कुड रिजल्ट इन जेल टर्म और इट इज अंडर शेड्यूल देड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट थ्रेट यही है हैबिटेट लॉस हो रहा है और सबसे ज्यादा पेंगोलियनजाराम दी मोस्ट ट्रैफिक वाइल्ड एनिमल्स ये स्पीशीज सबसे ज्यादा इनकी ट्रैफिकिंग होती है ग्लोबली इट इज ट्रेडेड मोस्टली इन एशिया क्यों क्योंकि मैं यही बता रही हूं जो इनके स्केल्स हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी मेडिसिनल एंड देर मीट अ डेलीकेसी तो यहां पर इसीलिए करंटली न्यूज में भी रहे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटेक्शन स्टेटस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इफ़ यू रेफर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता होगा से कैसे क्वेश्चंस आते हैं दे आस्क यू द प्रोटेक्शन स्टेटस और उनका हैबिटेट जो है जनरली यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इंडिया में कौन सी दो स्पीशीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगी राइट प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करूं तो आई में इंडियन पैंगोलिन इज इन डेंजर्ड कैटेगरी मैं इंडियन पैंगोलिन की बात कर रही हूँ चाइनीज पैंगोलिन जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है शेड्यूल वन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एंड ऑल दी पैंगोलिन स्पीशीज दे आर लिस्टेड इन दी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज साइट्स में अपेंडिक्स एंड के अंदर सो so ये प्रोटेक्शन स्टेटस आपको मग अप करना है याद करना है रट्टा लगाना है जो करना है करो लेकिन इसको भूलना नहीं है एट एनी कोस्ट ठीक है आगे चलते हैं अगली वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो देखते हैं दैट इज रिगार्डिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिसेंट गाइडलाइंस आई हैं उन गाइडलाइंस के हिसाब से हम कुछ बातें करेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दे मोडिफाइड देशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन गाइडलाइंस जिसके अंदर पहले क्या होता था जो अब सिक्सटी फाइव ईयर्स ऑफ एज जो भी अब सिक्सटी फाइव हैं अगर उनको ऑर्गन uh, ट्रांसप्लांटेशन के लिए बेसिकली दे वांट टू रिसीव द दर्गन फॉर ट्रांसप्लांटेशन तो पहले नहीं अवेलेबल uh, या करवाया जाता था एक्सेप्शनल केस होते थे दे कैन ओनली टेक फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स आउटसाइड से नहीं ले सकते थे करंटली अब जो गाइडलाइंस आ गई हैं उनके हिसाब से अबव सिक्सटी फाइव ईयर्स ऑफ एज they are also eligible now to receive an organ for transplantation from deceased donors. now दे ऑल्सो हैव राइट टू लाइफ मतलब बेसिकली ये होता है कि उनकी जो लाइफ की आगे जो एज है वो उसको ध्यान में रखते हुए तो जो ये एज रखी गई थी ये सेट करी गई थी लेकिन इसी के साथ साथ एक और पॉइंट भी है इसको मैं इन डेप्थ में लेके चलूंगी पहले आप ये देखो इंडिया के अंदर एक एक्ट है उस एक्ट का नाम है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट नाइनटीन नाइनटी फोर ये एक्ट प्रोवाइड करता है वेरियस रेगुलेशन फॉर द रिमूवल ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड इट्स स्टोरेज तो जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन होता है फॉर थेरापूटिकप कमर्शियल डीलिंग इन ह्यूमन ऑर्गन उसकी प्रिवेंशन सो दिस पर्टिकुलर एक्ट रेगुलेट ऑल दीज थिंग्स इसी के साथ साथ देर इज नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जिसकी हम बात कर रहे हैं इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं आप खुद सोचो क्या ऑब्जेक्टिव होंगे उस प्रोग्राम के जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं तो एक प्रॉपर टू ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है टू प्रोटेक्ट दी वर्लर ग्रुप फ्रॉम दैट ऑर्गन ट्रैफिकिंग to ट्रेन the रिक्वायर्ड मैन पावर टू प्रोमोट द डिसीज ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन तो ये जो है ये इस प्रोग्राम के अंदर इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं और साथ ही साथ अब जो पॉलिसी आई है वो पॉलिसी या जो मॉडिफाइड गाइडलाइंस हैं वो क्या कहती हैं उनको जानने से पहले थोड़ा और ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के बारे में जो करंट सिनारीट इज रनिंग इन इंडिया वो जान लेते हैं आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको हेल्प मिलेगी इंडिया का करंट स्टेटस क्या चल रहा है नंबर ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स इंक्रीज बाय ओवर थ्री टाइम्स 2022 की बात करें तो फ्रॉम 4,990 इन 2013 से बढ़कर 15,561 इन 2022 और सबसे ज्यादा जो कॉमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है दैट इज फॉर किडनी उसके बाद लीवर देन हार्ट लंग्स पेनक्रियाज राइट 2022 अलोन की बात करी जाए तो नियरली 12,791 लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट्स हुए ये कंडक्ट किए गए और डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट्स जो थे वो थे 2765 फ्रॉम हंड्रेड सिक्सटी डोनर ट्रांसप्लांट्स थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं ओनली 1700 हंड्रेड ऑफ दर्गन मतलब आप देखो जो लिविंग जो लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट से जो ट्रांसप्लांटेशन हो रही है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वो ज्यादा है फोर्टीन परसेंट वर ओनली फोर्टीन परसेंट वर्क फ्रॉम द डोनर्स मेजोरिटी जो है ऑर्गन्स की इट इज हार्वेस्टेड फ्रॉम द लिविंग डोनर्स स्पेसिफिकली किडनी एंड लीवर डोनेशन इलीगल जिसकी हम बात कर रहे हैं uh, जब आप द पुअर द वलरेबल सेक्शन दे फॉल इन टू दिस ट्रैप और वो जो ब्लैक मनी का जो केस है ब्लैक मार्केटिंग का क्योंकि uh, पैसा मिल सकता है राइट right? अगर आप किसी को कन्विंस कर दिए जाए जिनको पैसे की जरूरत भी है कि अगर आप अपना ये किडनी दे सकते हैं तो ये सारी चीजों नहीं इसको भी बंद करना है नियरली ऑल द डिसीज ऑर्गन डोनेशन ठीक है अब गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस लेकर आई है गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो पहले हवन ने कैप लगा रखी थी ना वो सिक्सटी फाइव ईयर एज ग्रुप वाली वो हटा देते हैं यूनियन मिनिस्ट्री हैज डन अवे विद दिस एज कैप ऑफ सिक्स लेकिन हाँ मतलब अब 65 के बाद भी इफ़ एनीबडी वॉन्ट्स टू रिसीव एन ऑर्गन फ्रॉम अ डेड डोनर वो दे आर एलिजिबल फॉर दैट दे कैन डू दे रजिस्ट्रेशन लेकिन प्रेफरेंस विल स्टिल बी गिवन टू यंगर रेसिपियंट्स क्योंकि उनकी अभी दे एज कंपेयर टू दी वन हु इज हुव दिक्सटी फाइव एज ईयर जो यंग रेसिपियंट्स हैं उनको स्टिल अभी प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि दे हैव होल लाइफ टू गो अभी सो so, दोज अबव द एज ऑफ सिक्सटी फाइव विल नॉट बी कम्पलीटली बेड फ्रॉम दी प्रोसेस लेकिन प्रेफरेंस की अगर बात आ जाएगी तो प्रेफरेंस में यंगर रेसिपियंट विल बी गिवन दी प्रेफरेंस और गाइडलाइंस क्या कहती हैं मिनिस्ट्री कह रही है कि ये जो डोमिसल रिक्वायरमेंट होती थी टू रजिस्टर एन ऑर्गेन रेसिपियंट वो अब जरूरत नहीं है इन अ पर्टिकुलर स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना है आपके पास पड़ा है लेकिन अब क्या करते हैं आप पहले देखोगे आप पर्टिकुलर स्टेट से अगर किसी स्टेट के पास है कि हमारे स्टेट के जो पेशेंट्स है पहले उन्हें देख लेते हैं अगर फिर वो नहीं तो फिर उसके बाद देखेंगे जो दूसरे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा अब से मिनिस्ट्री हैज रिमूव्ड इट डोमिसाइल रिक्वायरमेंट की कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है वन नेशन वन पॉलिसी के अंदर ही चलेगा जिसको रिक्वायरमेंट है उसको मिले वेदर यू आर फ्रॉम एनी एरिया एनी स्टेट डजेंट मैटर ठीक है ट है दे कैन रजिस्टर भी सर्जरी जो है वो अवेलेबल है और वो वहां पर करा सकते हैं उसके बाद एक और पॉइंट भी है कि कोई भी फीस नहीं लगेगी फॉर दी रजिस्ट्रेशन मतलब पहले ही बंदा इतना तंग हो रखा है उसके बाद देर देर आर सर्ट एन हाई फीस ऑल्सो जो चार्ज करी जाए कुछ भी नहीं होगा रजिस्ट्रेशन no uh, जो स्टेट चार्ज कर रहे थे फॉर दिस पर्पज सेंटर ने उन्हें बोला है कि इसको बंद कर दो तो, अभी नहीं करनी है सच रजिस्ट्रेशन जो है जहां पर चार्ज होता था सेंटर हैज आज दो स्टेट्स टू नॉट टू डू सो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की जिसकी हम बात करेंगे वो है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा सकता है थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है सीधा फैक्ट बेस्ड है मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है और ये बॉडी करती क्या है ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है बहुत सिंपल है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सेटअप है अंडर द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पहला पॉइंट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी एक्टिविटीज हैं ऑल इंडिया एक्टिविटीज जो प्रोक्योरमेंट की हूँ वेदर दे आर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्ट्री ऑफ ऑर्गन टिश्यू डोनेशन ट्रांसप्लान इन द कंट्री सो दिस पर्टिक्यूलर बॉडी टेक्स दोल थिंग सो इट फंक्शन एज अ सेंटर फॉर ऑल दीज इंडियन एक्टिविटीज दैट आर इन इंडिया रिलेटेड टू द ऑर्गन ट्रांसप्लाटेशन इन द कंट्री अब बहुत से आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स जो हैं अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा एडिटोरियल्स आप इंडियन एक्सप्रेस के पढ़ो या द हिंदू के पढ़ो डेली एडिटोरियल इसके एसोसिएटेड कोई ना कोई आ ही जाता था ठीक है तो उन एडिटोरियल्स को अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि रेगुलर स्कैम्स एक टर्म है यू आप देख सकते हो कुछ इसके क्रिटिक्स में अगर बात करी जाए थोड़ी सी कि रेगुलर स्कैम्स होते थे द दिन आई एम टॉकिंग अबाउट यही जो पुअर वल्नरेबल सेक्शन है जो सिक्सटी फाइव से एज ग्रुप के अबव थे वो तो अपने घर के ही फैमिली के जो ऑनर हैं Uh, जो उनके मेंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं से ही ले सकते थे पहले राइट तो लेकिन अब क्या होता था उन्हें इफ़ यू से कि आप बहुत पुअर हो आप uh, मतलब आपको पैसा चाहिए तो आप अपना जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करोगे तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा तो वो ब्लैक मनी का जो केस था वो इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था बेसिकली ब्लैक मार्केट सॉरी जो ब्लैक मार्केट और रेगुलर स्कैम जो है इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा होती थी उसको कम करने की बात है एक सजेशन भी दिया गया है फॉर ऑप्ट आउट सिस्टम ऑप्टआउट सिस्टम बेसिकली क्या कहता है ऑप्ट आउट सिस्टम इज इनिशियली एज्यूम्स की एनीबडी मतलब यू मी एनी वन इन बाय द वर्ल्ड मतलब आप जब हो रहे हो तो सबको ये सोचना चाहिए कि यू ऑल आर एलिजिबल फॉर गिविंग योर ऑर्गन अगर किसी को रिक्वायर्ड है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए कोई एज ग्रुप नहीं है सो फॉर दैट रीजन ऑप्ट आउट सिस्टम यही है इट इज यूम्सिटीजनस आर टू बी द डोनर्स अन ये करंटली इंडिया इज अ लॉन्ग वे टू गो ये सिस्टम अभी के लिए इट इज नॉट इन प्रोसेस इन इंडिया बट वी कैन डू इट और ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एडिटोरियल्स के अंदर आती है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट और कुछ कुछ पॉइंट्स आप ले सकते हो उनसे ठीक है तो अगर आपसे पूछ भी लिया जाए एग्जाम में कि ऑप्ट आउट सिस्टम क्या करंटली इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अवेले चल रहा है इट इज इन प्रोसेस ऐसा कुछ भी नहीं है इट वॉज जस्ट सजेशन की इंडिया के अंदर ऑप्ट आउट सिस्टम जो है वो लाया जा सकता है बट करंटली ऐसा ऑप्ट आउट सिस्टम क्योंकि वी आर टू अ लॉन्ग वे टू गो तो अभी वी आर नॉट इन टू दिस ऑप्ट आउट सिस्टम दैट करंटली इंडिया इज अडॉप्टिंग ऐसा नहीं है ठीक है चलो हाँ तो ये न्यूज लिख लेते हैं आपके जीएस पेपर टू के लिए बहुत रेलिवेंट है और क्वेश्चन भी बन सकता है अगर आप सब अवेयर हो महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल uh, सिनेरियो है हमें उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना है हम चलेंगे इलेक्शन कमीशन को देखते हुए और कुछ और केसेस भी लेंगे तो पहली न्यूज़ क्या है न्यूज ये है शिंदे ग्रुप इज द रियल शिवसेना सेज पॉल बॉडी तो बेसिकली अगर आप सब अवेयर हो जो नहीं अवेयर है लेट मी टेल यू द बैकग्राउंड ऑफ़ द पॉलिटिकल क्राइसिस इन महाराष्ट्र दैट वॉज हैपनिंग इट इरप्टेड Uh, जब समी एम एल एज ऑफ शिवसेना दे अलाइंस विद द पार्टी रेबल लीडर जो एक तरफ एक नाथ शिंदे थे एक तरफ उद्धव ठाकरे जी थे तो बेसिकली uh, अब जो है uh, महाराष्ट्र के अंदर इफ यू ऑल आर अवेयर कि एक नाथ शिंदे जी की सरकार है एंड ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अब बात ये आ जाती है जब ये सारा सिनारियो शुरू हुआ ये पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गया इलेक्शन कमीशन वॉज येट टू डिसाइड कि जो इलेक्शन सिंबल है जो अगर आप ये इलेक्शन सिंबल देख रहे होंगे पार्टी का ये एक तरफ उद्धव ठाकरे जी हैं और एक तरफ एक नाथ शिंदे जी हैं, पार्टी में स्प्लिट हो गया राइट तो ये इलेक्शन सिंबल कौन सी पार्टी को मिलेगा ये इशू है कमीशन इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर कमीशन ने क्या कहा है अंडर आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो वहां पर ये जो सिंबल है ऑर्डर पार्टी नेम शिवसेना एंड दार्टी सिंबलर फैक्शन शिंदे मतलब सिंपल सी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव कर दिया है ये जो इलेक्शन सिंबल है टू द एकनाथ शिंदे पार्टी और ये इलेक्शन सिंबल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है देखो इलेक्शन सिंबल इज अ स्टैंडर्डाइज सिंबल दैट इज एलोकेटेड टू अ पार्टी जब कोई इलिटरेट जो है पीपल हु इज गोइंग फॉर वोटिंग अगर आपने देखा हुई कैन नॉट रीड द नेम ऑफ द पार्टी वाइल कास्टिंग देयर वोट्स वो इलेक्शन से देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के अंदर दे आर शोन एंड दे आर यूज बाई दार्टीज ड्यूरिंग देअर कैंपेन्स यहाँ पर वोटर चूज करते हैं किस पार्टी के साथ वो जाना चाहते हैं राइट सो इलेक्शन सिम्बल्स जो है दे दे यू नो अब उनकी एक रेलिवेंस क्या है इन दाइनटीन सिक्सटीज ऑल्सो इट वॉज प्रपोज द रेगुलेशन रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ इलेक्टोरल सिम्बल शुड बी डन थ्रू द लॉ ऑफ पार्लियामेंट इसी के चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेटेड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए दी ऑर्डर ऑफ 1968 अगर आपको उस ऑर्डर का नाम याद रखना है मैं आपको बता सकती हूँ दैट इज इलेक्शन सिम्बल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर नाइनटीन करंटली जो इलेक्शन कमीशन ने Uh, ये ये देख सकते हो आप इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 एम्पावर्स किसको इलेक्शन कमीशन को हो किस लिए टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट सिंबल्स टू देम जो ये डिस्प्यूट हुआ है अभी दोनों पार्टीज के बीच में अंडर द पैराग्राफ 15 ऑफ ऑर्डर वहां पर लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन इज द ओनली स्टैच्यू और ओनली अथॉरिटी टू डिसाइड द इशूज ऑन डिस्प्यूट और अर्जर तो बेसिकली यहां पर अगर मैं आपको बात करूं एक केस भी है दैट इज सादिकली केस ऑफ नाइनटीन सेवेंटी वन जो केस जो था वो इसी से एसोसिएटेड था 1971 के अंदर भी ऐसा ही एक ट uh, हुआ था कांग्रेस में जब स्प्लिट हुआ था इफ़ यू ऑल रिमेंबर दैट सो अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन द टू ऑफ कांग्रेस और वहां पर भी किस तरीके से फैसला लिया था एक जब टेस्ट होते हैं सो टेस्ट ऑफ मेजोरिटी मतलब जिस पार्टी के पास ज्यादा मेजॉरिटी है एम पीज जिस पार्टी के पास ज्यादा है तो उस हिसाब से uh, जो टेस्ट ऑफ मेजोरिटी के हिसाब से जिस पार्टी uh, इस इस टेस्ट के अंदर That one, और उसको सिंबल मिल जाएगा तो ये एंड uh, इस केस के अंदर अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट अपहेल इन दिस इज देश देर आर थ्री टेस्ट जो uh, उद्धव ठाकरे जी की गवर्नमेंट है वो कहती है कि देखो टेस्ट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पार्टी ये जो एम्स और ऑब्जेक्टिव है पार्टी के वो तो हम कैरी करके चल रहे हैं राइट टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन टेस्ट ऑफ मेजोरिटी तीन टेस्ट 2018 में आई एम गोइंग लिटिल थोड़ा सा पीछे ताकि आपको बैकग्राउंड समझ आए इन 2018 शिवसेना पार्टी जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी थी उन्होंने दे वेंट फॉर देयर अमेंडमेंट इन देयर शिवसेनाज कॉन्स्टिट्यूशन राइट इलेक्शन कमीशन हेल्ड दैट दिस टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिटरमाइनिंग दिस प्रेजेंट डिस्प्यूट केस इट बी इट विल बी अनडेमोक्रेटिक क्योंकि उन्होंने ये बोला जब शिवसेना पार्टी ने 2018 के अंदर दे डिड चेंजेस पार्टीज पार्टीट्यूशन दैट पार्टी डिड नॉट सबमिटेड दमेंडमेंट कॉपी ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए इलेक्शन कमीशन इज यूजिंग दिस टेस्ट ऑफ मेजोरिटी और मेजोरिटी के हिसाब से क्योंकि एम और एम जो एनाथ शिंदे जी की पार्टी है उनके पास ज्यादा है तो ये सिंबल उन्हें अलॉट कर दिया गया तो ये जो है इसके पीछे का सिनेरियो है जो आपको याद में रखना है और ये थोड़ी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिमार्क भी दिया एंड सेट दट देंस ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पार्टीज वॉज द कॉज ऑफ डिस्प्यूट जब पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं रहती तो वो जो पार्टीज में डिस्प्यूट का कारण है वो ये है बिकॉज द पार्टीज आर लैकिंग द इंटरनल डेमोक्रेसी राइट तो यहां से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं यू हैव टू रिमेम्बर की किस बेसिस पे टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन या टेस्ट ऑफ मेजोरिटी किस बेसिस पे करंट सिनारियो लिया गया ये केस किस एसोसिएटेड है याद में रखना एक रेफरेंस इसलिए बोल रही हूं हिट इसलिए दे रही हूं क्योंकि कमिंग अभी इस बाई द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल गेट क्वेश्चन जो कि एसोसिएटेड होंगे तो फिर ये मत कहना कि हम भूल गए या हमें याद नहीं है यू हैव नॉट एनी अदर ऑप्शन यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस स्टाफ इंपॉर्टेंट है आगे चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अप्रूव किया है उड़ीसा प्रपोजल टू डिक्लेयर डिब्रीगढ़ अ टाइगर रिजर्व सिंपल और इंपॉर्टेंट ये टाइगर रिजर्व अगर आप देखो और मैं उड़ीसा में अगर थोड़ा सा चलू तो दिस इज थर्ड टाइगर रिजर्व इन उड़ीसा तो मतलब पहले दो भी होंगे बिल्कुल है एंड सतकोसिया, सो ये टाइगर ऑलरेडी उड़ीसा के अंदर है. अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये टाइगर रिजर्व कहाँ से है उड़ीसा से है सो दिस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व वॉज डिक्लेर्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन नाइनटीन ये कहाँ पर लोकेटेड है थोड़ा सा उड़ीसा में अगर चले तो हीराकोट डैम जो है एट सांबलपुर विच इज स्प्रेड ऑन एन एरिया ऑफ थ्री फोर्टी सेवन स्क्वायर किलोमीटर दिस सेंचुरी इज देयर और वहीं पर ये टाइगर रिजर्व भी है इट इज़ वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा महानदी रिवर बस वहीं पर उसके पास और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वाइल्ड वेराइटी ऑफ एनिमल्स लेपर्ड बिसन सांबर चितल एंड एंटीलॉप दे आर साइटेड इन दिस पर्टिकुलर सेंचुरी तो ये टाइगर रिजर्व कहाँ है के अंदर ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगली न्यूज देखते हैं जो मिनिस्ट्री है ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेरी सेड इन अ स्टेटमेंट दैट फेज थर्ड ऑफ सागर परिक्रमा विल स्टार्ट फ्रॉम सूरत गुजरात हजीरा पोर्ट तो इसके बारे में जानेंगे जो कि बात कर रही है सागर परिक्रमा फेज थर्ड की आपने स्कीम सुनी है प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पद योजना जिसने नहीं सुनी है ये फिशरी सेक्टर से एसोसिएटेड स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना और ये योजना के बारे में आप पढ़कर आओगे दिस इज योर होमवर्क क्योंकि कल के सेशन के अंदर आई बी गिविंग यू सर्टेन एन एमसी क्यूज जो कि एसोसिएटेड होंगे इस पर्टिकुलर स्कीम से शुरू में ही पूछ लूंगी ठीक है चलते हैं सागर परिक्रमा पे सागर परिक्रमा जो है इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस लिए है दिस इनिशिएटिव वॉज टू रिजोल्व फिशर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स एंड जो फिशरमैन की जो इकोनॉमिक अपलिवमेंट है सो दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव टॉक्स अबाउट देयर इकोनॉमिक अपलिफमेंट थ्रू वेरियस अदर फिशरीज स्कीम तो सागर परिक्रमा इज बेसिकली क्या है अ जर्नी अक्रॉस द कोस्टल बेल्ट जो कि क्या डेमोस्ट्रेट करती है द दॉलीडरिटी विद ऑल द फिशर फोक्स फिश फार्मर्स एंड दंसर्न स्टेक होल्डर्स सो ये जो uh, सागर परिक्रमा है इट वॉज एज स्पिरिट ऑफ दिफ्थ आजादी का अमृत महोत्सव फिलियम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है बहुत ही सिंपल हो जाएगा फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री की मिनिस्ट्री इस परिक्रमा से फेज थर्ड से एसोसिएटेड है अगर हम मैं फेज थ्री बोल रही हूं देर विल भी फेज वन एंड फेज टू ऑल्सो जो हो चुका है ये yes. फेज वन एंड फेज टू प्रोग्राम जो है इट हैज बिन ऑर्गेनाइज मार्च 22 और सितंबर 22 में हुए नाउ सागर परिक्रमा फेज थ्री इज देयर दिस विल बी अकम्पेन्ड फिशरीज ऑफिशियल्स ऑफिशियरमे रिप्रेजेंटेटिव फिश फार्मर्स ऑन्टरप्रेन्योर्स होंगे स्टेक होल्डर्स प्रोफेशनल्स फ्रॉम अक्रॉस द नेशन ठीक है अच्छा क्वेश्चन आ गया अगर कि इट विल मेनली कवर विच एरिया दिस प्रोग्राम दिस थर्ड फेज इट विल कवर मेनली दस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात और आई थिंक आपने एक जो चीज है वो ध्यान से पढ़ ली होगी यहाँ पे सागर परिक्रमा के अंदर कि ये जो सागर परिक्रमा है इट विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर फेज थर्ड इट विल स्टार्ट फ्रॉम सूरत गुजरात हजीरा पोर्ट तो कौन से पोर्ट से फेज थर्ड की सागर परिक्रमा शुरू होने वाली है यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है सिग्निफिकेंस बहुत है इट विल फोकस ऑन प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज मेराइन जो फिशरीज रिसोर्स हैं, फॉर द फूड सिक्योरिटी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ मेराइन इकोसिस्टम्स दी कोस्टल फिशर कम्युनिटीज देयर लाइवलीहुड्स, तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये स्कीम्स और ये पर्टिकुलर परिक्रमा गिविंग सॉलिडारिटी टू फिशर फॉक्स वेरी वाइटल रोल इन द इकॉनमी इन द लाइवलीहुड इंडियन कोस्टल तो उसी के में ये अभी किया गया। अच्छा, पे चलते हैं एरो इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इफ यू रिमेंबर हाल फिलहाल अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड एरो इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री क्या है दिस इज अ एयर शो इट वॉज होस्टेड बाय विच डिपार्टमेंट याद आ रहा है कुछ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन विच इज अंडर विच मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री पहले तो सब भूल जाओ ये एक्सरसाइज जो है ये एयरो इंडिया एयर शो जो है इट वॉज होस्टेड बाय इन बेंगलुरु कर्नाटका जिसके अंदर मोर देन थर्टी टू डिफेंस मिनिस्टर्स पार्टिसिपेटेड टू फिफ्टी वन एमओयू वर सेवेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ इंपॉर्टेंट है इंडिया की ग्रोथ है इन दी एरोपेस जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको शो केस करने के लिए दिस पर्टिकुलर शो वॉज देयर एंड इट फोकसड अपॉन दैट रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी इज द थीम और साथ ही साथ पर्टिकुलर एरो इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के अंदर गरुड एरोस्पेस डिस्प्लेड सोलर पावर ड्रोन नेम इज सूरज यू कैन सी दिस राइट सो पर uh, थोड़ा सा अब ये न्यूज आ गई है तो हमें इस ड्रोन के बारे में भी जान लेना चाहिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सोलर पावर इंटेलिजेंस सर्विलियंस एंड रिकनेंस हाई एल्टीट्यूड ड्रोन जो कि फ्लाई कर सकता है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ थ्री जो इंफॉर्मेशन है ग्राउंड राइट right? जो इसकी इंटेलिजेंस और सर्विलियंस कैपेबिलिटी है इट विल हैव दिस कैपेबिलिटी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन लर्निंग बेस्ड होगी ताकि यू कैन हैव रियल टाइम प्रोसेसिंग और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके इसके अंदर इट कैन कैरी इट वु कैरी हाई रेजोल्यूशन मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टेन के जी राइट कैप्चरिंग प्रोसेसिंग और ट्रांसमिटिंग फोटोज और वीडियोज इन रियल टाइम ये ड्रोन कैपेबल है ये सबके लिए और ये सपोर्ट कर सकता है एंड इट विल सपोर्ट इट इज ऑल सेट टू सपोर्ट इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री सीआरपीएफ बी एस एफ ताकि डीआरडीओ मिनिस्ट्री डीआरडीओ बेसिकली आई टी बी पी ताकि आप उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे सको ठीक है तो इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता था आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक ये स्कीम पढ़ते हैं यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड स्कीम दैट इज वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम अच्छा एक बात समझो जो आपके नॉर्दर्न बॉर्डर्स लगते हैं बेसिकली uh, जैसे हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ भूटान के साथ पाकिस्तान अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर्स लगते हैं राइट right? वहां पर जो बॉर्डर एरियाज हैं जो बॉर्डर विलेजेस हैं जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं द पीपल दैट आर रिजाइडिंग देर वो वापस आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं वापस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है नेट कनेक्टिविटी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है पानी की सुविधाएं नहीं है एंड मैनी अदर थिंग्स हम नहीं चाहते कि वो वापस आए वाई वी डोंट वॉन्ट बिकॉज जो पीपल दैट आर रिजाइडिंग नियर टू दॉर्डर विलेजेस वो सर्विलियंस का काम करते हैं वो होता है ना पहली आंख जो होती है जो डिटेक्ट कर सकती है अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रही है तो दे कैन इन्फॉर्म राइट सो इसीलिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं ये प्रोग्राम जो आउट माइग्रेशन हो रहा है वहां से लोग जो वापस आ रहे हैं उनको वापस भेजने का है आप क्यों कैसे भेजोगे एश्योर कर रहे हो बाय दिस प्रोग्राम बेटर फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी एंड मेनी अदर थिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी उसी के रिगार्डिंग ये प्रोग्राम है आई होप अब आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया है कि ये प्रोग्राम क्या है ये एक स्पॉन्सर्ड स्कीम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन पीरियड इंपॉर्टेंट है ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स याद में रख लेना फाइनेंशियल एलोकेशन इंपॉर्टेंट है फोर्टी एट थाउजेंड करोड़ की फाइनेंशियल एलोकेशन दी गई है इस प्रोग्राम को वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम हब स्पोक मॉडल अगर आपने सुना हो मतलब एक अथॉरिटी एक एडमिनिस्ट्रेशन और उसके स्पोक्स जो कि ऐसे अलग अलग काम करेंगे राइट right? कनेक्टेड भी होंगे तो ये उस मॉडल पे चलेगा एम क्या है कॉम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑफ ब्लॉक्स ऑन दी नॉर्दर्न बॉर्डर

जो बॉर्डर एरियाज अभी कवर हो रहे हैं इन द स्कीम दे आर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश सिक्किम और लद्दाख याद में रख लेना इंपॉर्टेंट है कितने विलेजेस फर्स्ट फेज के अंदर लिए जा रहे हैं विलेजेस लिए जा रहे हैं हब स्पोक मॉडल एज आई टोल्ड यू उस पर काम करेगा ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव और यहाँ देखो बहुत सी अदर टूरिस्ट पोटेंशियल है वन विलेज वन प्रोडक्ट एग्रो बिजनेस ट्रेडिशनल नॉलेज जो उनकी है वो यूटिलाइज करी जा सकती है राइट सो इट द स्कीम एम्स टू डेवलप दैट इकोनॉमिक ड्राइवर्स ताकि जो लोकल नेचुरल ह्यूमन जो अदर रिसोर्सेज जो वहाँ पर रिजाइड कर रहे हैं यू कैन प्रमोट दैम सोशल ऑन्टरप्रेनियोरशिप के थ्रू यू कैन एम्पावर दी यूथ एंड वीमेन देर थ्रू द स्किल डेवलपमेंट तो ये सब इनिशिएटिव्स लेके आने की अब ज़रूरत है और अगर है तो ऑलरेडी जो सेंट्रल और स्टेट की स्कीम्स हैं उनको बहुत और ज्यादा हंड्रेड परसेंट सैच्यन विल बी इंश्योर्ड मतलब जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की कमी हो रही है ये स्कीम पूरा करेगी एंड दिस वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान विल बी क्रिएटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत वही सोलर एनर्जी विंड एनर्जी ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी ड्रिंकिंग वाटर मोबाइल कनेक्टिविटी इंटरनेट कनेक्टिविटी सब कुछ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स दिस स्कीम टेंप्ट ऑल दीज थिंग्स फाइनेंशियल एलुकेशन के अंदर ये याद में रख लेना फोर्टी एट हंड्रेड करोड़ का टोटल फाइनेंशियल एलुकेशन है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड करोड़ रुपीज फॉर रोड्स ठीक है सिंपल सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है अच्छा तो ये तो होता है यहां पर कवर आगे चलते हैं एक इसके बारे में पढ़ लेते हैं गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेटअप नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इन हरियाणा तो इम्पोर्टेंट है इसको याद में रखना क्वेश्चन बन सकता है कहां पर और थोड़ा न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर सेक्टर के बारे में भी बात करेंगे पहले तो आप इंडिया का मैप देख रहे हो देखो गुजरात में महाराष्ट्र में कर्नाटका में कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु के अंदर है गवर्नमेंट जो है नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट सेटअप कर रही है हरियाणा में हरियाणा में भी कहां पर गोरखपुर वैसे आप इसे कंफ्यूज नहीं करना जो यूपी में गोरखपुर है वहाँ नहीं हरियाणा में फरीदाबाद और फतेहाबाद फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज है गोरखपुर विलेज वहां पर ये दिल्ली से अगर चले तो 150 किलोमीटर नॉर्थ में पड़ता है एंड यहां पर दे आर बेसिकली दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्लांट विल हैव टू यूनिट्स ऑफ 700 मेगावाट कैपेसिटी ईच तो दो यूनिट और हर यूनिट की कैपेसिटी सेवन हंड्रेड मेगावॉट की होगी इंडिजीनियस डिजाइन इस पूरे प्रोजेक्ट में जो टोटल एलोकेशन किया गया है फंड्स का वो है ट्वेंटी थाउजेंड फाइव नाइन्टी फोर करोड़ जिसमें से 4,906 करोड़ को ये अमाउंट स्पेंड हो चुका है लगभग यू कैन से 23 परसेंट ऑफ दी अमाउंट और जो आ, बाकी ऑर्डर्स देने थे और मेन प्लान बिल्डिंग के आसपास जो भी बाकी ऑर्डर्स थे फायर वाटर पंप हाउस चाहिए या ओवरहेड um, टैंक और मोडरेटर्स तो इन सब सबकी जो प्रोग्रेस है वो भी आगे बढ़ चुकी है ठीक है एक इम्पॉर्टेंट बात अब थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं हमारे एनर्जी सेक्टर के अंदर हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं स्टिल लाइक like, फिफ्टी परसेंट जो है वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है थोड़ा और स्पेसिफिकली चलू तो फिफ्टी सेवन परसेंट लगा लो जिसमें से कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है स्टिल इन इंडिया वो है फोर्टी नाइन परसेंट और जो न्यूक्लियर पावर बेस्ड है दैट इज ठीक है अगर आप बोलो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सो दैट इज नियर अराउंड फोर्टी पॉइंट नाइन परसेंट हम सोलर एनर्जी की अगर मैं देखो सोलर एनर्जी में हम कितने प्लांट सेटअप कर रहे हैं राइट तो सोलर एनर्जी से फिफ्टीन पॉइंट वन परसेंट सो मतलब अभी स्टिल देयर इज अ पोटेंशियल और पोटेंशियल के साथ साथ इंडिया के अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस भी हैं और साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी की बात करूं तो ग्लोबली इंडिया इज एट फोर्थ पोजीशन यहां लिख देते हैं ग्लोबली चाइना ई यू और यूएस के बाद रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के अंदर इंडिया की फोर्थ पोजीशन है और हमारे जो फॉर्मली हमारे जो नेशनली डिटरमाइन कॉन्ट्रीब्यूशन हैं उसकी अगर मैं बात करूँ सो तो इंडिया इज कमिटेड टू रिड्यूज यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको हेल्प मिल जाए सो इंडिया इज कमिटेड टू रिड्यूज एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जी डी पी बाय फोर्टी फाइव परसेंट बाई ट्वेंटी थर्टी बाय विच लेवल बाय टू थाउजेंड लेवल्स तो इन सब को करने के लिए ये सब स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन मैं अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रही हूँ इन क्वेश्चन के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे सबके चाहिए और इसके जो सही आंसर्स हैं हम उनको कल वाले सेशन के अंदर जब हम अगला न्यूज एनालिसिस लेकर आएंगे तो बिल्कुल कवर करेंगे और जो बीच में सेशन में क्वेश्चन पूछे ना उनके आंसर्स भी चाहिए तो आई वांट आंसर्स ऑफ एवरी क्वेश्चन दैट इज आप ही रिविजन और आपको मेमोराइज करवाने के लिए ताकि आपको ये चीजें याद रह पाए क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस होता है याद करने के लिए साथ ही कल केस नाइनटीन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एसोसिएटेड विद ट्रिपल तलाक एलोकेशन ऑफ पार्टी सिंबल्स इन द केस ऑफ स्प्लिट राइट टू एलिमनी फॉर अ मुस्लिम वुमेन

इट इज अंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑफ ब्लॉक्स ऑन द नॉर्दन बॉर्डर फाइनेंशियल एलोकेशन जो है इट इज ऑफ रूपीज फोर्टी एट थाउजेंड करोड़ अंडर दिस स्कीम एंड स्कीम इंश्योर्स हंड्रेड परसेंट सैचुरेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम इन द इम्प्लीमेंटिंग एरियाज वेर दिसम इज बी इम्प्लीमेंटेड राइट सो विच ऑफ दिन करेक्ट ए बी सी डी यू हैव टू मैं आंसर तीनों क्वेश्चन के आंसर और साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपसे पूछे हैं जैसे पेंगुलिन कब होता है वर्ल्ड पेंगुलिन डे कितनी स्पीशीज हैं और कौन कौन सी है उनके आंसर्स आप बताएंगे इन दी कमेंट सेक्शन ऑल यू नीड टू डू इज लाइक दिस सेशन शेयर टू दी अदर फ्रेंड्स आल्सो हु आर प्रिपेयरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब श्री राम आई चैनल सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन द डेली अपडेट्स ऑफ द करंट अफेयर्स फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन एज आई सेट बी कंसिस्टेंट विद दीज लेक्चर्स आई आर जू ककर विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक Happy learning everyone. Take care. Thank you.